हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कमाल के निच में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो भाई गजब का ट्रैफिक आपको मिलेगा और एडसेंस लगा करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे मंथली का। और यहाँ पे आपको जस्ट कॉपी पेस्ट का ही वर्क करना है। तो कौन सा निच है, किस तरह से काम करना है, कीवर्ड्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, एवरीथिंग मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो पहले के लिए इसी भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस निच की बात कर रहा हूँ गाइस, वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड निच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जो ऑलरेडी यार इस पर्टिकुलर निच पे काम कर रही है। हालांकि काफी सारी वेबसाइट है लेकिन कुछ पॉपुलर वेबसाइट मैंने उठाया है। जैसे ये एक वेबसाइट है softproper.com, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और कितना सिंपल लेआउट है इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का। और यहाँ पे पोस्ट भी ओवरऑल देख सकते हो आप, 800 से ऊपर का पोस्ट इस पर्टिकुलर बंदे ने अपनी वेबसाइट्स पे डाला है। और ये कौन सा थीम यूज कर रहा है, क्या इस पे एडसेंस है, यानी सारी चीजें हम देखने वाले हैं और पूरा केस स्टडी में आपको पूरा देने वाला हूँ, प्लस कीवर्ड्स वगैरह एवरीथिंग आपको दूंगा यार। ठीक है, किस तरह से आप भी काम करके इनकी तरह गजब का ट्रैफिक ला सकते हो और एडसेंस से अच्छा खासा रेवेन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रैफिक को एनालाइज कर लेते हैं कि आखिर ये कितना ट्रैफिक ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने सिमिलर वेब पे क्लिक कर दिया और देखो ये 4 लाख से ऊपर का ट्रैफिक ले रहा है भाई। ठीक है, और वो भी इस निच पे। और ये जो है ना सॉफ्टवेयर टाइप जो निचेस होती है, यहाँ पे जो एडसेंस जब आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है ना सीपीसी भी इंडिया में भी काफी अच्छा खासा मिलता है। देखो, अगर आप अदर निचेस पे काम करते हो जैसे MP3 सॉन्ग्स या मूवी वगैरह से रिलेटेड डाउनलोडिंग निचेस पे अगर काम करोगे तो वहां पे इंडिया में सीपीसी यार ना के बराबर, मतलब ये बहुत ही कम मिलता है। लेकिन ऐसा इधर नहीं है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के केस में आपको अच्छा खासा सीपीसी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइजर्स है ना यार वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्स आते हैं जिस वजह से जब भी कोई यूजर एड्स पर क्लिक करेगा तो आपको अच्छा खासा ही रेवेन्यू होने वाला है भाई। ठीक है, और यहाँ पे सीपीसी का मैं एक एवरेज रेंज बता देता हूँ जो कि 0.02 से 0.05 के आसपास होता है भाई। तो अच्छा खासा मतलब कि सीपीसी आपको मिल जाएगा और ट्रैफिक तो ऑब्वियस सी बात है यार इस तरह के नीचे पे काफी अच्छा होता है। आप यहाँ पे जैसे लाइव एग्जांपल देख रहे हो और पूरा का पूरा ट्रैफिक देख लो यार, इंडिया से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आधा ट्रैफिक थोड़ा बहुत यूनाइटेड स्टेट से भी आ रहा है, बाकी अदर कंट्रीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है और सर्च रिजल्ट से ही पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड्स वगैरह को टारगेट करोगे पूरा ऑर्गेनिक आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो एडसेंस को लेकर के भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, डीएमसी वगैरह आएगा या नहीं आएगा, हमें एडसेंस कैसे मिलेगा, सारा चीज अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया इसका ट्रैफिक पर्टिकुलरली। अब मैं थोड़ा सा पोस्ट भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस तरह की जो वेबसाइट पे हम पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो पोस्ट का लेआउट, देखो ओवरऑल इंटरनेट पे आपको काफी सारी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट्स दिखेंगी ना जहाँ पे जो पोस्ट का लेआउट है कहीं ना कहीं आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। आप कह सकते हो पूरा कॉपी पेस्ट का ही काम चलता है, तो यहाँ भी आपको पूरा प्रॉपर कॉपी पेस्ट ही करना है। यहाँ पे जो बड़े बड़े आपको पैराग्राफ्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं ना, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जस्ट आपको कॉपी करना पेस्ट करना है, लेकिन वो भी किस तरह से करना है वो भी जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर पोस्ट का लेआउट आप कुछ इस तरह से देख पाओगे। ठीक है, तो नॉर्मल सा पोस्ट है यार और यहाँ पे ट्रैफिक काफी अच्छा खासा आ जाता है। तो ये एक वेबसाइट थी। एक और मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि काफी अच्छी वेबसाइट है और ये कितने सालों से काम कर रही है वो भी मैं भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो यार, ये है currentpc.com। ठीक है, तो ये रेंडम डोमेन पे बंदा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कीवर्ड्स पे काम करके अच्छा खासा नहीं बहुत ही अच्छा ट्रैफिक ले रहा है, अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो इसका भी लेआउट आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर कुछ इसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स की तरह ही है, होम पेज की तरह ही है, लेकिन इसने बैकग्राउंड में कुछ अलग पैटर्न यूज किया और यहाँ पे इसने बैकग्राउंड में कलर यूज कर लिया। ठीक है, और ये जो दोनों वेबसाइट मुझे लगता है यार कि जनरेट प्रेस थीम को ही इन्होंने मतलब कस्टमाइज किया हुआ है। मैंने पर्टिकुलरली एक वेबसाइट को एनालाइज किया था यहाँ पे WP डिटेक्टर से चेक किया था, देखो इसने जनरेट प्रेस थीम को ही यूज किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल जो फ्री थीम आता है जनरेट प्रेस का उस पर ही काम करके अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कोई भी आपको पेड थीम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है इस तरह के नीचे पे काम करने के लिए। ठीक है, और इस वेबसाइट का भी देखो लेआउट तो आपने पर्टिकुलरली देख लिया और यहाँ पे भी देखो 800 से ऊपर कंटेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर बंदे ने भी अपनी वेबसाइट्स पे डाला हुआ है। और यहाँ पे भी मैं आपको पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम ट्रैफिक भी देखेंगे कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसका भी लेआउट देखो, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा जो हमने पीछे देखा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है आगे पीछे, इन्होंने अपने अपने हिसाब से लेआउट को एनालाइज करके डाला होता है अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर देखो डाउनलोड लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इन वेबसाइट में भाई एडसेंस का भी अप्रूवल है। अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, उससे पहले मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ कि आखिर इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो देखो भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी गजब का ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 मिलियन से ऊपर का ट्रैफिक भाई ये पर्टिकुलर वेबसाइट रिसीव कर रहा है, ठीक है। और बाउंस रेट देखो भाई कितना मेंटेन है, यहाँ पे है ना डाउनलोडिंग लिंक्स प्रोवाइड किया जाता है जिससे यूजर पूरी तरह से इंगेज हो जाता है, तो बाउंस रेट भी यार मेंटेन रहता है। और काफी सारी आपने रैंडम वेबसाइट्स देखा होगा, लाइक जिसे लिरिक्स से रिलेटेड या शायरी वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह, वहां पे बाउंस रेट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं रैंकिंग में काफी ज्यादा इफेक्ट करता है भाई, ठीक है। तो इस तरह के नीचे में आपको बाउंस रेट भी काफी अच्छा खासा मेंटेन मिल जाएगा। और इसका भी ट्रैफिक देखो यार फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट से, इंडोनेशिया, इंडिया वगैरह से भी यहाँ पे आ रहा है, और ज्यादातर ट्रैफिक यहाँ पे डायरेक्ट भी ले रहा है बंदा, प्लस सर्च से भी ले रहा है, ठीक है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा यार कितनी सिंपल वेबसाइट भाई क्या गजब का ट्रैफिक ले रही है और एडसेंस दबा के रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैं आपको उनका एडसेंस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को मैं कॉपी करके भाई न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई ये प्रॉपर एडसेंस का ही एड्स यूज कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए आपको इसका जो पब्लिशर आईडी है भाई वो भी दिखा देता हूँ एडसेंस का, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर भाई एडसेंस से मोनिटाइज है, और वो आज से नहीं पिछले 4 सालों से। मैंने इसका भाई वेबसाइट का एज भी चेक किया था पर्टिकुलरली, तो भाई एज भी काफी अच्छा खासा है, मतलब काफी पहले से ये वेबसाइट भाई काम कर रही है इस पर्टिकुलर नीचे पे, और अभी तक यार इस मतलब कि वेबसाइट्स के ऑनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। देखो काफी लोग डरते हैं यार इस तरह की वेबसाइट्स पे काम करने से, उन्हें लगता है कि भाई डीएमसी वगैरह अगर हमारी वेबसाइट्स पे आएगा तो हमारी वेबसाइट्स को गूगल पेनालाइज कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन सीरियसली बताऊं तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट पे काफी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी एपीके निश से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड, जो अभी भी भाई सालों सालों से चलती हुई आ रही है, ठीक है। डीएमसी वगैरह आता है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि इस तरह की वेबसाइट पे अगर आप काम करोगे तो आपको डीएमसीए नहीं आएगा, 101% आपको डीएमसीए आएगा, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर डीएमसीए नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको इंटरनेट पे वेबसाइट्स मिल जाएगी बिल्कुल ऐसी हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस तरह के सॉफ्टवेयर को टारगेट करना है ना जिसपे मतलब कि जो ज्यादा पॉपुलर ना हो यार, ठीक है। काफी ऐसे भी इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर है ना जो यूजर्स सर्च करते हैं, जैसे फिल्मोरा, काइन मास्टर जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर को नहीं लोग सर्च करते, और भी काफी सारे यूजफुल सॉफ्टवेयर है यार जो आई थिंक आपको भी नहीं मालूम होगा, और उन जिनकी ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं होती ना, सीधी बात है उन सॉफ्टवेयर को टारगेट करो, उन पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो वहां पे आप डीएमसीए से भी काफी हद तक बचे रहोगे, और काफी अच्छा खासा आप लंबे समय तक भाई एडसेंस से आप मतलब कि पैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और ये जो दूसरी वेबसाइट मैंने दिखाई ये भी भाई एडसेंस से ही मोनेटाइज्ड है, इसका भी मैं आपको एड कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये देखो इसका जो फ्रंट पेज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है भाई, ठीक है। लेकिन जैसे आप विजिट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इसने एक अलग मतलब कि अपने मतलब कि सब डायरेक्टरी में अपनी वेबसाइट्स को मतलब कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रखा, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं ये भी एडसेंस यूज कर रहा है यानी, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी एडसेंस यूज कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर बंदे ने एडेक्स भी लगा रखा है, ठीक है। एडेक्स भी लगा रखा है, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा कि आप एडेक्स वगैरह क्या होता है, किस तरह से उसका भी अप्रूवल वगैरह लिया जाता है, वो भी एडसेंस के सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एडसेंस के मुकाबले सेफ होता है, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, डेडिकेटेड वीडियो में आपको दे दूंगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं यार कि आखिर आपको इस तरह के नीचे पे काम किस तरह से करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया भाई काफी सिंपल तरीके से ये बंदे काम करके ट्रैफिक ला रहे और रेवेन्यू जनरेट कर रहे। तो गाइस देखो यार आपको इस तरह के नीचे पे काम करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक वेबसाइट होना चाहिए, और एक वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन परचेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहां से जस्ट आपको यार होस्टिंग बाय करना है, प्लस यहाँ पे आपको डोमेन और जो SSL सर्टिफिकेट होता है जो कि काफी ज्यादा नेसेसरी होता है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। और वो प्लेटफॉर्म है गाइस होस्टिंगर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इस प्लेटफॉर्म से यार मैं पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो आप अपनी वेबसाइट्स के लिए यहाँ से होस्टिंग को बाय कर सकते हो। इनके प्लान्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे अच्छा प्लान है यार वो है प्रीमियम प्लान, यहाँ से आप अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको देखो 100 वेबसाइट्स को होस्ट करने को मिल जाएगा, प्लस अनलिमिटेड SSL का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और फ्री डोमेन का भी एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। तो प्रॉब्लम की तो कोई बात नहीं है, प्लस
यहाँ पे 30 दिन का जो मनी बैक का गारंटी वो भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आता है तो आप अदर प्लेटफॉर्म पे स्विच कर सकते हो और जो पैसा आपने यहाँ दिया था वो पूरा का पूरा पैसा आप रिटर्न भी ले सकते हो। ठीक है, 100% पैसा रिटर्न आ जाता है, इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं। तो इसका जो बेस्ट वाले लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अभी 75% ऑफ डील चल रहा है तो फटाफट जाओ भाई, अगर आपने वेबसाइट अभी तक नहीं बनाया तो बना लो भाई। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से यार जेनरेटप्रेस थीम को स्टार्ट करना है और जो कीवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना भाई, उन कीवर्ड्स पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं कीवर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा ना, वो पूरा का पूरा सेमरस के थ्रू एक्सट्रैक्टेड कीवर्ड है और आप सेमरस जानते हो भाई, काफी पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल है। ठीक है, एचआरएफ के बाद इसी का नंबर है। पहले एचआरएफ भी हम यूज करते थे लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, जिस वजह से यार हमें सेमरस का सहारा लेना पड़ता है और ये भी काफी मस्त मतलब कि एक सॉफ्टवेयर भाई। ठीक है, तो इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे जितने भी आपको ये कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, पूरे के पूरे 1000 कीवर्ड्स में आपको प्रोवाइड करने वाला बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट में, जिस पे आपको काम करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, आधा से ज्यादा टाइम ना हमारा कीवर्ड रिसर्च वगैरह पे चले जाता है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च पे अपना टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको डोमेन बाय करना है, होस्टिंग लेना है, सॉरी बस आपको होस्टिंग लेना है, डोमेन तो आपको फ्री मिल जाएगा होस्टिंग कर से। उसके बाद सिंपली आपको बस इन कीवर्ड्स पे काम करना स्टार्ट कर देना और जो मैं कीवर्ड आपको प्रोवाइड करूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, वो मीडियाफायर का लिंक होगा, आप उसे डाउनलोड करोगे ना, उसके बाद वो जो फाइल है ना भाई वो एक्सेल में खुलेगा। देखो इस तरह से आपको कीवर्ड दिखाई देगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और देखो यार, ये ऐसा YouTube चैनल है भाई जहाँ पे आपको बिल्कुल अंदर की बातें मैं बताता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह आपको कोई भी भाई पूरे इंटरनेट पे प्रोवाइड नहीं करेगा, सारी चीज मैं यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करता हूँ। बस यार आपको काम करना है। ठीक है, फिर आप लोग कंप्लेन वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो, यार भाई आप क्यों नहीं करते, यार देखो मेरे पास काफी सारे नीचेस है, हर बंदा हर एक नीचे इसको ट्राई नहीं कर सकता, तो जो चीजों पे मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है ना पहले भाई, वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जब तक आप लोग यार अपना एफर्ट्स नहीं डालोगे, काम नहीं करोगे चीजें मिलने के बावजूद भी, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखो यार कीवर्ड्स कुछ इस तरह से मिलेगा एक्सेल फाइल में, एमएस ऑफिस अगर आपके पास होगा तो वहां पे आप इस कीवर्ड का एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपको चीजें समझ नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको मतलब कॉर्नर में दिखाई दे रहा है एच पे प्लस वाला साइन, इस पे आप क्लिक कर दो तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी मतलब ये कॉलम पे ला करके आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करते ये देखो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, आपको सारी चीजें यहाँ पे नजर आने लगेगी। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है ना भाई, कीवर्ड डिफिकल्टी में थोड़ा सा चेंज करना है, फिल्टर करना है। वैसे यहाँ पे जो भी मैं कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनकी अगर मैं डिफिकल्टी बताऊं तो देखो काफी कम है, मतलब कि 30 से नीचे ज्यादातर यहाँ पे कीवर्ड्स है जिसपे आप भाई आंख बंद करके काम कर सकते हो, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और भाई अच्छा खासा आप रेवेन्यू भी कर लोगे अगर आपने एडसेंस से अपनी वेबसाइट्स को मोनेटाइज कर रखा है तो। और इस तरह की डाउनलोडिंग वेबसाइट पे किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल लेना उसका भी जानकारी मैं अभी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको फिल्टर ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है उसे आपने फिल्टर कर लेना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जैसे अगर आप आपकी नई वेबसाइट है, ठीक है, तो नई वेबसाइट पे अगर आप हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को टारगेट करोगे ना तो वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि रैंकिंग में आपका पोस्ट वगैरह तो इंडेक्स होगा लेकिन आपको ट्रैफिक लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हाई डिफिकल्टी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनपे काफी सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी भाई गूगल में रैंक्ड है। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचना है। और अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपको क्या करना है, 0 to 10 वाले कीवर्ड्स पे सबसे पहले काम करना है। तो यहां से हम 0 to 10 डिफिकल्टी वाले जितने भी कीवर्ड है इनको हम क्या करते हैं ना, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और जैसे जैसे मतलब आप काम करते जाओगे ना, जैसे जैसे ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता जाएगा उस हिसाब से आप अपने जो डिफिकल्टी गाइस वो भी आपने बढ़ाते जाना, और उसे भी बढ़ाना बहुत ही सिंपल, इसी तरह से आप बढ़ा सकते हो, जस्ट फिल्टर पे क्लिक करके ओके कर देते। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो भी कीवर्ड्स आए ना उनकी जो डिफिकल्टी है भाई वो 0 to 10 के बीच में है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम करोगे तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, आपकी वेबसाइट अच्छे से जल्दी रैंक भी कर पाएगी और आप अच्छा खासा यार मतलब कि आपका बन जाएगा भाई वेबसाइट्स का रेपुटेशन। ठीक है, फिर एक साल बाद आप अगर हाई डिफिशेंसी वाले हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पे भी काम करोगे ना, इजिली आप रैंक कर जाओगे उन कीवर्ड्स पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है। फिर यहाँ से कोई भी कीवर्ड्स को उठा लेना है और उस कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। काम करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि देखो यार ये सारी चीजें के लिए एक सेपरेट वीडियो भी मुझे बनाना चाहिए लेकिन चलो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, जैसे मुझे पर्टिकुलरली इस कीवर्ड पे काम करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे जैसे ये जो दिख रहा है एलिमेंट्स
थ्री डी फ्री डाउनलोड इस कीवर्ड्स पर काम करना, तो मैंने क्या किया इसका यूआरएल यहां से उठा लिया, क्योंकि इस पड़ुआ कीवर्ड पर मुझे कंटेंट कहां से मिलेगा भाई, मैं तो बिगिनर हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तो सिंपली कंटेंट का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, इस पड़ुआ कीवर्ड से रिलेटेड जो यूआरएल है ना वो हमने उठा लिया, और अभी आपको उस यूआरएल को डाल देना है भाई ब्राउजर में सर्च बार पे, और देखो आपके सामने उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपके सामने आ गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है भाई, पूरा कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन अपने स्टाइल में। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको पैराग्राफ्स वगैरह नजर आ रहा है ना भाई, आप टाइटल देखो पूरा प्रॉपर उठा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अंदर का मैटर होता है थोड़ा सा आपको उसको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी रैंकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट यूज करना है जो कि बिल्कुल फ्री है, वो है गाइस यहाँ पे coilbot.com। ठीक है, ये काफी मस्त वेबसाइट है भाई, मैं इसका अपने मतलब कि वेबसाइट्स वगैरह पे अक्सर यूज करता रहता हूँ, और काफी पॉपुलर भी वेबसाइट्स है। तो इसके थ्रू आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के जो कंटेंट है उसको पैराफ्रेज कर लेना है और अपनी वेबसाइट्स पे यूज करना है। वो चीज करोगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है पैरा को, उसके बाद इस वेबसाइट्स पे आ जाना है और यहाँ पे बस आप पेस्ट कर दो, उसके बाद सीधा पैराफ्रेज पे क्लिक कर दो। उसके बाद ये क्या करेगा ना, एक नया वर्जन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का जनरेट कर देगा, जिसका मतलब बिल्कुल सेम होगा, लेकिन बस सिनोनिम्स एनोनिम्स होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा आगे पीछे, बाकी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, और ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, गूगल वगैरह भी कुछ भी डिटेक्ट वगैरह नहीं करेगा, पेनल्टी वगैरह किसी चीज की आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी एक और वेबसाइट आपके साथ रिवील भी करूंगा जिसमें मैं पर्टिकुलर इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर काम कर रहा हूँ, वहां पे मैं कुछ भी चीजें अपने से नहीं निकला। ठीक है, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक चलता है वो वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सिंपली आपको इसको कॉपी करना है और फिर आ जाना है अपने ब्लॉग पर, वहां पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी वेबसाइट्स पे आर्टिकल राइटिंग करना है और इस तरह की वेबसाइट्स पे आपको काम करना है। देन आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको समझ आ गया हो। तो अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है भाई इस तरह की पर्टिकुलर नीचेस पे, तो भाई देखो काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देरी मत करो, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप जल्दी से जल्दी काम करोगे उतनी जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी होगा आपके साथ यार। ठीक है, मतलब कि जो भी आगे होगा इन फ्यूचर आपको खुद ही मतलब कि कम से कम टाइम में पता चल जाएगा, उसके बाद आप अदर एक्शन ले सकते हो ना। ऐसा नहीं कि बस एक ही वेबसाइट को पकड़ के आप सोचते रहोगे एक साल दो साल तक, तो बाकी नीचे इस पे आप किस तरह से काम करोगे भाई, क्योंकि एक बंदा यार एक टाइम पे एक दो नीचे ज्यादा से ज्यादा संभाल सकता है। तो इसलिए यार आपको थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा भाई, अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है। तो अब बात कर लेते हैं यार कि आपको एडसेंस के अप्रूवल किस तरह से मिलेगा इस तरह की वेबसाइट्स पे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है इसी चीज में। तो यहाँ पे देखो, एडसेंस के अप्रूवल लेने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है डीएमसीए का पेज बना लेना। तो आपको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन जो भी अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेजेस होता है, इसी तरीके का एक डीएमसीए पेज भी होता है जो आपको बना लेना, और इस तरह की काफी सारी वेबसाइट्स पे आपको ये पेज मिलेगा अवेलेबल। तो यही एक रामबाण है भाई, आपको इस तरह की वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल देने में काफी ज्यादा ये आपकी मदद करेगा। इस पेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है ना, यूजर लिख देता है कि यहाँ पे जो भी कॉन्टेंट वगैरह हमने डाला है वो हमारा नहीं है, जस्ट वो हम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से डाल रहे हैं, जिससे गूगल भाई मान जाता है यार कि चलो भाई ठीक है, बंदा ने मतलब कि क्रेडिट दिया जिसका ये कंटेंट वगैरह यूज कर रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहो तो पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे भी चेंज सकते हो, और इसके अंदर जो भी आपका यूआरएल वगैरह होगा उसे आप रिप्लेस कर लेना अपने यूआरएल के साथ, उस तरह से आपका भी पेज ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। और ये पेज बनाने के बाद गाइस आप मतलब कि 20 से 25 जो कीवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर काम करने के बाद 1 महीने के बाद अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना, आपको एडसेंस का भी अप्रूवल काफी अच्छे से मिल जाएगा भाई, 101% आपको मिल जाएगा। जब इस तरह की वेबसाइट्स को मिल रहा भाई तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, और ये 4 सालों से भाई एडसेंस के साथ काम करी, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो आपको भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ज्यादा सोचने का नहीं, बस काम करने का और भेज देने का, बाकी आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में नहीं, बाकी मिलते अगले वीडियो में। यहाँ पे बाकी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह शेयर किया सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।